सारा रोटेशन फील हो रहा है, नीचे की तरफ इतना ज्यादा नहीं है, जबकि आइडियली क्या होना चाहिए कि जब मैं पीएसआई जॉइंट को यानी सैक्रियल को मूव करूं हल्के से मूवमेंट से ही है। वेलकम फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर जीतू मिश्रा, आज मेरे साथ में क्या नाम है, सुरेश, सुरेश है, और आज आपका थर्ड सेशन है। आप हमारे व्यूअर्स को ये बताएं कि कैसे आए यहाँ पे पहले और क्या दिक्कत से आए, तीन सेशन में आपको किस तरह से ये लगा कि क्या फायदा है, नुकसान है, कितना बचा हुआ है। एब्सोल्युटली, तो ये मेरा तीसरा सेशन है, थर्ड सेशन। प्रायर तो जस्ट मैंने बैंगलोर में भी कायरोप्रैक्टर एक्सपीरियंस किया है, सो दिस इज नॉट द फर्स्ट टाइम आई एम एक्सपीरियंस कायरोप्रैक्टर, बट दिस इज द फर्स्ट टाइम आई एम एक्सपीरियंस G2G, एंड इट्स अमेजिंग द वे आई हैव हैंडल्ड थ्री सेशंस, द वे ही हैज हैंडल्ड एंड हिज होल टीम, इट्स अमेजिंग। पहले भी जब करते थे तब कायरोप्रैक्टर एक दिन के लिए कर लिए, उसके बाद वो छोड़ देते थे, सो देयर वाज ऑलवेज दिस पेन दैट यूज्ड टू रिकर आफ्टर अ मंथ और टू, बट आफ्टर थ्री सेशंस दैट आई हैव टेकन इट हैज इम्प्रूव्ड अ लॉट, 90% रिडक्शन इन माय पेन, एंड इन द कमिंग डेज आल्सो आई थिंक इट विल इम्प्रूव मोर, एंड आई विल रिकमेंड एवरीवन टू हु इज हैविंग अ इशू विद देयर बोन्स एंड अलाइनमेंट्स एंड पेन, दे शुड विजिट हियर। तो क्या दिक्कत से आया था? सो आई वाज हैविंग लोअर बैक पेन, एंड बेसिकली सेडेंटरी लाइफस्टाइल है, वर्क फ्रॉम होम है, दो साल से वर्क फ्रॉम होम है, कोरोना है, बाहर नहीं जा पा रहे थे, सो आई वाज हैविंग अ लॉट ऑफ सीवियर लोअर बैक पेन, तो सोने के समय या बैठ के बहुत देर तक काम करने से नहीं होता था, मीन्स चलने में दिक्कत होता था, सो दैट वाज द मेन रीजन व्हाई आई केम हियर एंड इट हैज वर्क्ड मार्वेलस। तो अब इनकी तरफ से हो गया, मैं आपको जो लोग देखना चाहते हैं मैं अंडरस्टैंड करके एग्जामिन करके दिखाता हूँ वीडियो में कि क्या क्या इनको दिक्कत है जो हम एग्जामिन आज भी कर सकते हैं। इन ये बेटर हुए हैं, वो इसलिए बेटर हुए हैं क्योंकि हमने जो कपिंग नीडलिंग और एडजस्टमेंट किया है, स्किन टिश्यूज मसल जो भी लाइट हुए हैं, खुले हैं, जॉइंट्स में फंक्शनैलिटी बढ़ी है, मोबिलिटी बढ़ी है, वो सारी चीज़ें हम आज दोबारा चेक करके आपको दिखाएंगे। वीडियो को देखते रहिएगा, कहीं मत जाइएगा, काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन इस वीडियो में आगे आने वाली है। कम अब ऊपर से अगर हम देखें तो स्ट्रक्चर हेल्दी नजर आ रहा है, कोई ऐसी बहुत फील करने का अपर बैक अपर नेक पे तो मुझे कुछ ज्यादा नजर नहीं आ रहा, बट जैसे हम नीचे जाते हैं तो एक चीज ऑब्वियसली नजर आ रही है कि ये है इसकी बैक फ्लैट हो गई। अब करते क्या हो? वर्किंग इन एन एमएनसी, तो बैठने का काम है। और उसी तरह से अगर आप बटक्स की तरफ भी देखें तो ये बिल्कुल हेल्दी है, लेकिन कहीं ना कहीं मसल लूज करने लगा है अपनी लोअर बैक से और बटक से। और मैं शर्ट ऊपर करके इतना दिखा दूं कि ये क्लियरली नजर आ रहा है कि ये जो इसका पोर्शन है बैठे बैठे इतना टाइट हो गया है और शेप खराब होने लगी है। लेफ्ट साइड में ये बहुत ज्यादा टाइट मुझे फील हो रहा है, उसकी वजह से ये जितना भी इसका PSIS जॉइंट है, जिसको हम पीछे की तरफ डिम्पल की तरफ इशारा करके आप सबको दिखाना चाहते हैं, ये जॉइंट में काफी ज्यादा फ्यूजन यानी कि जगह कम होना चालू हो गई है, इसको हम सेक्युलाइजेशन भी बोलते हैं। और जैसे ही मैं राइट की तरफ जाता हूँ PSIS के पास में तो मुझे इतना ज्यादा कुछ महसूस नहीं होता। अब मैंने जब राइट की बात की है तो मैं ये भी देखना चाहूंगा कि ये कितना मुड़ता है कितना नहीं मुड़ता है। तो और पाँव को भी देख लेते हैं, पाँव मोर और लेस एक ही लेवल पे है, बट थोड़ा बहुत डिफरेंस हमें दिख रहा है जो कि वो एडजस्ट हो ही जाता है बैठते समय। एक बार मेरी तरफ करवट ले लो, उस तरफ सामने की तरफ करवट ले लो, क्योंकि हमें ये साइड देखना है, ऑब्जर्व करना है कि इसमें क्या मोबिलिटी है क्या नहीं है। अभी मैं एडजस्टमेंट नहीं करूँगा, सिर्फ असेसमेंट कर रहा हूँ ये दिखाने के लिए कि क्या है। देखिए ये है इसका सेक्युलाइजेशन, ये काफ़ी रिस्ट्रिक्टेड है कंपेयर टू जब मैं ये मूव कर रहा हूँ। देखिए ऊपर तक ही सारा का सारा रोटेशन फील हो रहा है, नीचे की तरफ इतना ज़्यादा नहीं है, जबकि आइडियली क्या होना चाहिए कि जब मैं PSIS जॉइंट को यानी सैक्रियल को मूव करूँ हल्के से मूवमेंट से ही ये खुल जाना चाहिए, जो कि नहीं हो रहा। इसका मतलब डेफिनेटली ये जो फिफ्थ लंबर वर्टिब्रा होती है जब ये सैक्रियलाइज होने लग जाती है तो सेकंड बोन जो होती है वो भी उसी के साथ काम करने लग जाती है, तो वर्टिब्रा काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे मोबिलिटी रिड्यूस होने लग जाती है, जिसकी वजह से बैक पेन होने लग जाता है और ये साइड्स बढ़ने लग जाती है। एक बार उस तरफ मूव करिए, अब मैं जब ये राइट साइड में देख रहा हूँ, देखिए
ये कितना इजीली कंपेयर टू उस साइड से स्मूथली मूव कर रहा है ये जॉइंट, ये बहुत इजीली। अगर आप अभी देखें जो उस तरफ किया और ये किया, ये बहुत कंफर्टेबली इजीली मूव कर रहा है। अब मैं इसके थोड़ा सा अपर लंबा रीजन को दोबारा असेस करके देखूंगा, बैठेंगे थोड़ा बैठेंगे तो मैं कितना आप पीछे जा सकते हो। कुछ पेन फील हो रहा है अभी? नहीं नहीं, ओके। थोड़ा सा रोटेट करिए, रिस्ट्रिक्शन फील हो रही है? नो। किस तरफ ज्यादा फील हुआ? राइट साइड। राइट साइड में यही मूव करने में दिक्कत आ रहा है? हाँ। ये इसी की वजह से सारी टाइटनेस यहां तक आपको फील होती होगी, राइट? यस। तो हम सारा फोकस आज ये तो लेफ्ट है, राइट? हाँ। तो लेफ्ट पे फील हो रहा है रिस्ट्रिक्शन, और ये सारी चीजें मैं ऊपर तक फील कर पा रहा हूँ कि ये सारी चीजें यहां तक इसको दिक्कत दे रहा है। अब स्टमक पे आएंगे, देखेंगे। हाँ, ये इसी तरफ लेफ्ट में इस PSIs के टाइट होने की वजह से, सेक्रलाइजेशन की वजह से ये सारा पोर्शन टाइट हो गया है। ये सारी चीजें ऊपर से अलग डिफरेंटली नजर आ रही है कंपेयर टू द राइट। तो इसका काफी कुछ डोर्सल में यहाँ पे इस एरिया में काफी ज्यादा टाइट है। मैं उससे पहले एक्टिवेटर यूज करूंगा। एक्टिवेटर क्या करता है, इन सारे जॉइंट्स को थोड़ा सा लूजन अप कर देता है। देखिए मैं इस तरफ की साउंड फील कर पा रहा हूँ, ये काफी ओपन अप है, ये काफी ज्यादा टाइट रिस्ट्रिक्टेड है। इजी रिलैक्स, छोड़ेंगे नाइस, इजी नाइस नाइस। तो मैं बैक को ठीक करने के लिए पहले इसको खोलना ज्यादा इंपॉर्टेंट समझूंगा। इजी, यस, इजी, इजी। अब मेरी तरफ टर्न करेंगे। अब मैं इसके पहले राइट PSIS खोल रहा हूँ। इजी, इजी, वेरी गुड। अदर साइड मैंने अभी बहुत जेंटली खोला है, मैं एक बार दोबारा बाद में फिर ट्राई करूंगा। मुझे उम्मीद है कि इसी की वजह से इसके लेफ्ट नी में भी कहीं अनड्यू प्रेशर आता होगा। इट इज ऑल कनेक्टेड विद द चेन। दोबारा मेरी तरफ एक बार और टर्न करेंगे साइड टर्न। Easy, breathe out. Oh, super. बहुत अच्छे से खुला हुआ है। अब दूसरी तरफ easy, relax. शोल्डर को पीछे जाने दो, breathe out. ये भी खुला हुआ है, very good. सीधा साइड जॉब भी टाइट है काफी। इजी रिलैक्स, छोड़ दो, इजी। हाँ, जो उसकी नेक में कोई ज्यादा दिक्कत नहीं थी, बट ये राइट जॉ उसका काफी स्टिफ है, वो नेक स्टिफनेस की वजह से है। और मैं इसका नेक एडजस्टमेंट भी करता हूँ, पाँव नीचे करके ग्राउंड पे लेट जाओ, पूरा अच्छा।
शेड ले चु हेड रेस करो तो देखिए अगर कोई अच्छे से आपके जॉइंट्स को असेस करे ध्यान रखे कि कहाँ पे क्या स्टिफनेस है टाइटनेस है बहुत ज्यादा मुश्किल नहीं होता है हाँ बट अगर वही टाइटनेस बहुत ज्यादा है तो आप कई बार एक सेशन में नहीं खोल पाते कई बार मल्टीपल सेशन लगते हैं या बहुत ज्यादा टाइम लगता है जिस तरह की यंग लोगों में तो इतनी दिक्कत नहीं आती बट कोई 50 इयर्स से 60 इयर्स या 70 इयर्स का है वो इतना टाइट होता है कि हमें पता होता है कि वी विल नीड मेनी मेनी सेशंस सो दिस इज व्हाट वी एज ए प्रोफेशनल सफर कि हम चाहकर भी कई लोगों को उतना ज्यादा नहीं खोल सकते बिकॉज जॉइंट्स पूरे के पूरे फ्यूज हो जाते हैं फाइनल वर्ड फ्रॉम यू इट्स अमेजिंग आई एम टेलिंग यू वन ऑफ द बेस्ट फीलिंग आई हैड इन अ लॉन्ग टाइम दिस इज रियली गुड सो प्लीज विजिट यू गाइस एनीबॉडी हु हैज एनीथिंग विद द स्ट्रक्चर और आपके दर्द हैं एक्स एंड पेन्स हैं और आपको लगता है कि एडजस्टमेंट आपको हेल्प कर सकता है तो आप एक्टिव प्लस पे हमसे मिल सकते हैं कॉन्टेक्ट कर सकते हैं दिल्ली और गुड़गांव में Absolutely. और चैनल को लाइक करें शेयर करें सब्सक्राइब करें एंड शेयर इट विद मेनी मेनी पीपल ताकि हमारे भी सब्सक्राइबर्स और लाइक बटन हिट ज्यादा से ज्यादा हो आजकल मैं देख रहा हूँ काफी स्लोली आप लोग हिट कर रहे हैं लाइक आइकन तो प्लीज लाइक बटन को दबाए बगैर इस वीडियो से बाहर ना जाए थैंक यू थैंक यू